नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड 25 में वार्ड विकास समिति द्वारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का शनिवार रात्रि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि खानपान एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिडवा थे। मंत्री ने नगर पालिका कर्मचारियों का माला व उपहार भेज कर सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार भी उपस्थित थे। समारोह में भाजपा के पदाधिकारी सहित वार्ड के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। वार्ड पार्षद जयप्रकाश चोटिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। चूरू के रतनगढ़ में आज सुबह दुपहिया वाहनों से तिरंगा यात्रा को खान वन पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिड़वा व सांसद राहुल कसवा ने रवाना किया। स्थानीय भाजपा मंडल व युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारत की आजादी के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा स्थानीय शिवाजी सेवा संस्थान से रवाना होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए राजुल देसर व बीना देसर पहुंची। तिरंगा यात्रा का मुख्य बाजारों से राजुल देसर एवं रास्तों में जगह जगह स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में दुपहिया वाहनों पर तिरंगे झंडों के साथ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से निकले। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना इलाके के नाथूसर के समीप देर रात को खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल लाया गया जहां एक ने दम तोड़ दिया। वहीं सभी अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को श्रीमाधोपुर अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। वहां सभी लोग हरियाणा के रहने वाले थे और खाटू श्याम जी के लिए जा रहे थे। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। मौसमी बीमारियों के चलते दिनभर में करीब 1000 से ज्यादा ओपीडी हैं। डॉक्टरों की संख्या कम होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों की देखरेख ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। वहीं अस्पताल के वार्डों में एक एक बेड पर दो दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। कस्बे के आसपास के गांव में बने स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य केंद्र पर अनियमितताओं के चलते मरीजों को गुड़ा गौरजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ रहा है। हिंडौन सिटी में 22 अगस्त से शुरू हो रही राज्य स्तरीय 1917 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए झुंझुनू जिला कबड्डी की टीमें खानपुर से रवाना हुई। झुंझुनू जिला कबड्डी प्रतियोगिता में 19 वर्षीय में खानपुर मेहराणा व 17 वर्षीय में गौरी की टीम विजेता रही थी, जिसका 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप खानपुर मेहराणा के सरकारी स्कूल में हुआ। एसबीआई बैंक मैनेजर नौरंग डांगी व प्रधानाचार्य अनुकंपा ने दोनों टीमों को रवाना किया है। टीमों को ड्रेस किट के लिए 11,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। बाड़मेर के बायतों में अज्ञात चोरों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगा सागर के पोषाहार भवन व आंगनवाड़ी भवन में रखी पोषाहार सामग्री और अन्य सामान को चुरा लिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पुलिस थाने में दी है और आपको बता दें कि इस स्कूल में पहले भी कई बार बदमाशों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर कस्बे के 18 फीट भराव क्षमता वाले तालाब पर फिर से पानी की चादर चलने लगी। तेज हवाओं के कारण तालाब की रपट पर 5 से 10 इंच तक की चादर चली है। जयपुर के कानोता थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। 11 जुलाई को इरावाला नाले के पास पुलिस को भरतपुर निवासी सुरेंद्र कुमार की लाश मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि सुरेंद्र ही पत्नी अनीता ने हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी के धीर सिंह नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे। वारदात के एक दिन पहले पड़ोसी महिला के मोबाइल से फोन करके अनीता ने धीर सिंह को बुलाया था। धीर सिंह अपने दोस्तों के साथ जयपुर आया और सुरेंद्र को साथ ले जाकर शराब पिलाई। बाद में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। वही हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए सुरेंद्र का सिर बुलेरो से कुचल भी दिया। पुलिस अनीता और धीर सिंह से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के रूपाहेली गांव में महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मांगीलाल भील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वही पूछताछ में उसने गुनाह कबूल किया है। साथ ही भील पर कई मामलों में संदिग्ध है और जेल भी जाकर वो आ चुका है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर एडीजी कोर्ट ने 2012 के दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी महिला के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में हत्या में शामिल ससुरालीजनों को 1-1 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ में जुर्माना अदा नहीं करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास देने का भी फैसला दिया। बांसवाड़ा के केशरपुरा गांव के राजकीय स्कूल में 17 लोगों का स्टाफ और लगभग 350 बच्चे हैं, लेकिन यहां एक कक्षा में 5 कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन स्कूल के कमरों में बरामदों की हालत खस्ता है। ऐसे में कैसे अध्यापन कार्य होता होगा? सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल प्रशासन ने इस मामले के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन मामला जो का तो बना हुआ है।
झुंझुनू जिले के टाई गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को टाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने समिति के सदस्य नहीं बनाए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया एवं व्यवस्थापक के खिलाफ अभद्रता से पेश आने का शिकायती पत्र सरपंच को सौंपा। टाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का कहना है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समिति के व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक के प्रति द्वेषता के चलते शिकायत की गई है। अजमेर जिले के ग्राम फतेहगढ़ सल्ला में लगातार पैंथर द्वारा जानवरों पर हमला करने और गांव के आसपास पैंथर के पगमार्क दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। उधर ग्रामीणों द्वारा समय पर वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी टीम के समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। इसके विपरीत पैंथर की पगमार्क मिलने तथा ग्रामीणों द्वारा पैंथर और उसके शावक को देखने का दावा करने के बाद भी वन विभाग इसे केवल कोई जंगली हिंसक जानवर ही बता रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर में आज सुबह एक युवक का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। जयरामपुरा पावर हाउस के पास शव के पड़े होने की सूचना पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। निजी वाहन की सहायता से शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्ची में रखवाया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी सरकारी अस्पताल पहुंची और शव की शिनाख्त की। शव की पहचान रींगस सौथलिया निवासी विनोद के रूप में की गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक विनोद जयरामपुरा में टैक्सी चलाने को कार्य करता था तो आज सुबह कहीं वो जा रहा था कि किसी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिछले 24 घंटों में 9 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते नगर के बस स्टैंड छोटी सादरी मागदापुर रोड पर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया जिससे दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर निम्बाहेड़ा नीमच मार्ग पर रेलवे फाटक कच्ची बस्ती पुलिया व मंडल चौराहे के समीप बनी पुलिया उदयपुर रोड सहित आसपास की कई छोटी बड़ी रफ्तों पर पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। राजसमंद के आमेट में 24 घंटे से लापता युवक की चप्पल और बाइक कुएं के पास मिली है। पुलिस आत्महत्या की आशंका जताकर कुएं में युवक का शव तलाश रही है लेकिन 3 कुओं में तलाशने पर सफलता नहीं मिली। कल युवक की माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में पहली बार मुस्लिम प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अपेक्स बैंक के चेयरमैन लीला मदेना ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्यामलाल ओझा ने की। चेयरमैन ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय करते हुए टॉस करवाया। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में विश्नोई समाज के अधिकारियों कर्मचारियों का स्नेह मिलन समारोह रविवार को नेहरू पार्क में आयोजित किया जाएगा। आयोजक सोहन राम विश्नोई अर्जुन विश्नोई ने बताया कि केंद्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी के साथ निगम बोर्ड स्वायत्त शासन विभाग मीडिया से जुड़े कर्मचारी अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि स्नेह मिलन समारोह में संगठन के गठन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके लिए सुझाव लिए जाएंगे। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार की सुबह करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से क्षेत्र से गुजर रही नदी उफान पर है। नालों के ऊपर से पानी बह रहा है। क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांव का संपर्क टूट गया है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।